तो ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, ये नेगेटिव ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग है, और एक और अपन कभी कभी तुमको बताना होता है जीरो ओवरलैप। ठीक है, तो ये जीरो ओवरलैपिंग है। तो अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब है कि जैसे अपन कहेंगे कि भाई अब इसमें एस ऑर्बिटल है, इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी एस ऑर्बिटल है और पॉजिटिव चार्ज है, तो एस ऑर्बिटल में तो ऐसा कुछ पॉजिटिव ओवरलैपिंग का चक्कर नहीं होता और कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें पॉजिटिव ओवरलैपिंग ही होता है, नेगेटिव होता ही नहीं, ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग ही होता है इसमें, राइट। एस ऑर्बिटल में पॉजिटिव ओवरलैपिंग ही पॉसिबल है, या तो ओवरलैपिंग होगी या फिर नहीं होगी। अब अपन को क्या ना, पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब जैसे होता है ना कि भाई प्लस है तो प्लस प्लस के साथ ओवरलैप करेगा, प्लस प्लस को अगर अपन प्लस के साथ ओवरलैप करेंगे तो ये प्लस ओवरलैपिंग होगा, माइनस को माइनस के साथ करेंगे तो भी प्लस ओवरलैपिंग होगा, और अगर माइनस को प्लस के साथ ओवरलैप करेंगे तो माइनस ओवरलैपिंग होगा, दैट इज माइनस एंड प्लस ओवरलैपिंग। अब जैसे पी ऑर्बिटल की बात करते हैं, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को, जैसे एक हो गया भाई अपने पास ऐसे है, जैसे एक एस ऑर्बिटल है और उसको अपन पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप, तो अगर मेरे पास ये पी ऑर्बिटल ऐसे लिखा हुआ है और ये इसका एक पर्टिकुलर एक्सिस ले लेते हैं, पी जेड ले लो या कोई भी ले लो, तो इसको इसके साथ ओवरलैप करेंगे तो विल गेट द पॉजिटिव ओवरलैप, क्यों, ये प्लस प्लस के साथ ओवरलैप करेगा तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग और नेगेटिव वाला बना देंगे। इसमें नेगेटिव ओवरलैपिंग हो सकता है, जैसे अपन कहेंगे एक एस ऑर्बिटल को अगर अपन इसके साथ ओवरलैप करेंगे, पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करें और इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो अगर मैं इसको इसके साथ ओवरलैप करता हूं तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो उसको अपन नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलेंगे। देयर विल बी नो बॉन्ड फॉर्मेशन, ओवरलैपिंग है लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं, इधर ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो इधर फिर जीरो ओवरलैपिंग। व्हाट डज जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग का मतलब ओवरलैपिंग ही नहीं है वहां पर, तो यहां पर ओवरलैपिंग तो करोगे लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस इधर है सो माइनस माइनस मीन देयर इज नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो देयर इज ओवरलैपिंग बट नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, ओवरलैपिंग तो है लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं। अब जीरो ओवरलैपिंग का मतलब जैसे एस ऑर्बिटल है, अब एस ऑर्बिटल को अपन पी ऑर्बिटल में ऐसे ओवरलैप करवा दें भाई, इधर से ऐसे अप्रोच करवा देते हैं एस ऑर्बिटल को, तो एस ऑर्बिटल अगर ऐसे अप्रोच करेगा इससे, इधर प्लस है इधर माइनस है, इधर तो कुछ होता ही नहीं, इधर तो नोड्स होता है। अब नोड्स होगा तो इस टाइप के ओवरलैपिंग से अपन क्या बता सकते हैं भाई, इससे तो बॉन्ड भी नहीं बनेगा कुछ, इधर लो ओवरलैपिंग करने से तो बॉन्ड भी नहीं बनेगा, तो दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज कॉल्ड जीरो ओवरलैपिंग। मतलब वहां ओवरलैप करवा रहे हैं अपन लेकिन वहां बॉन्ड नहीं बन सकता, क्योंकि ना तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव ओवरलैप किया ना नेगेटिव के साथ, यहाँ ओवरलैप तो किया, सो दैट ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैपिंग। अब अपन कहेंगे सपोज अपने पास ऐसे गिवन है, अगर अपने पास ऐसे गिवन है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, और इधर मैं इसको ओवरलैप करता हूँ सपोज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के साथ, तो ये पॉजिटिव ओवरलैप, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई ये एक पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, इधर पॉजिटिव हो गया इधर नेगेटिव हो गया। या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि मेरे पास ऐसे गिवन है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, और मैं इसको यहाँ भी नेगेटिव से ओवरलैप कर पा, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अपन बता सकते हैं ना नेगेटिव नेगेटिव से ओवरलैप करेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये तो पॉजिटिव था ही, तो यहाँ भी बॉन्ड फॉर्मेशन है यहाँ भी बॉन्ड फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन अगर मान लो अपन ऐसे ओवरलैप करते हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और यहाँ पर नेगेटिव है और पॉजिटिव है, तो यहाँ ओवरलैपिंग तो है लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए वहां नेगेटिव जा रहा है, तो फिर अपन कहेंगे वो ओवरलैपिंग नहीं है, सो दैट इज डू नॉट फॉर्म बॉन्ड, ओवरलैपिंग है लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं। और इसमें अपन कहेंगे ठीक है, इसमें मतलब पीपी ओवरलैपिंग में अपन ऐसे बता सकते हैं भाई, या तो अपन कहें कि मेरे पास एक ये पी एक्स ऑर्बिटल है,
और दूसरा अपन ऑर्बिटल ले ले मान लो पी जेड, ऐसे ओवरलैपिंग करेंगे तो भी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, इसको ऐसे अप्रोच कर देते हैं दोनों तो भी जीरो ओवरलैपिंग है। या अपन इसको मतलब जैसे अपन ने ये पी एक्स लिखा और ये पी जेड लिख लिया, ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, या फिर ऐसे लिखोगे तब भी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है कि एक अपन पी एक्स ले लेते हैं और दूसरा अपन पी वाई बना लेते हैं तो भी ये जीरो ओवरलैपिंग है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक दूसरे को अप्रोच करोगे तो उनके तो प्लेन ही अलग अलग है तो इनका तो ओवरलैपिंग होगा ही नहीं, तो दैट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज कॉल्ड जीरो ओवरलैपिंग। बिल्कुल वैसे ही अपन लिख सकते हैं दैट इज पाई बॉन्ड फॉर, वैसे मैंने ये एग्जांपल पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का ही दिया हुआ है आपको, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई ये एक पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, आप इसको ओवरलैप कर सकते हैं इसके साथ, ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा इधर भी और इधर भी, और ये प्रॉपर एक्सेस भी होने चाहिए। कभी कभी अपन को दे भी देते हैं कि दोनों को किस एक्सेस से अप्रोच कर रहे हो आप, भाई ऐसे लिखे हुए हैं लेकिन अगर ये मान लो इसका z एक्सिस है और इसका x है तो अपन कहेंगे ये x होगा तो हो सकता है ये z रहा होगा, क्योंकि ये अगर x एक्सिस है और ये z एक्सिस है, और मैंने कहा दोनों को आप अप्रोच करो किससे, z एक्सिस से, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने इसको एरो को, इस वाले एरो को अगर आपने लिखा हुआ है कि ये x है तो ऑब्वियसली बात है ये इसका z तो नहीं है, क्योंकि वो इसका z है जो अप्रोच करने के लिए आ रहे हैं अपन जिस एक्सिस से, तो इसमें फिर जीरो ओवरलैपिंग आ जाएगा, क्योंकि अपन नहीं बता ये भाई ये अगर एक्स होता और ये एक्स है इसका तो ऑब्वियसली बात है जेड तो परपेंडिकुलर है, क्योंकि जेड इधर है और इसका जेड इधर हो सकता है तो फिर जीरो ओवरलैपिंग आ जाएगा। सो अपन को कभी कभी ना मतलब कुछ कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा एक दो करके, मतलब ऐसे भी कि जिसमें मतलब आपको है ना ओवरलैपिंग में आपको पता रहेगा। अभी अपन ये अज्यूम कर लेते हैं कि नहीं ओवरलैपिंग है इसमें, सो इधर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, उधर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, और इधर अगर अपन लिखेंगे तो अपन कहेंगे ये नेगेटिव ओवरलैपिंग हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और यहाँ पर अपन इसको नेगेटिव कर लेते हैं इसको पॉजिटिव कर लेते हैं और दोनों के अप्रोच करने के एक्सेस एक जैसे ही है तो फिर ये नेगेटिव। d ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं, d ऑर्बिटल में विल राइट दैट, ठीक है ना, d ऑर्बिटल में कि भाई s ओवरलैपिंग में तो पॉजिटिव ही होगा, s का कभी भी ओवरलैपिंग होगा पॉजिटिव ही होगा, अपन लिख लेते हैं d ऑर्बिटल का सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अपन कहेंगे भाई d ऑर्बिटल में अगर आप ऐसे ओवरलैप कर रहे हो, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है, d ऑर्बिटल में दोनों लोब्स में पॉजिटिव लिखना होता है, ऊपर नीचे नेगेटिव लिखना होता है, अगर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं तो ये दोनों नेगेटिव होते हैं, तो दूसरा डी ऑर्बिटल अगर अपन ओवरलैप करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, यहाँ पर अगर अपन को पॉजिटिव ओवरलैपिंग करनी है तो अपन इसको ऐसे ही करेंगे, तो ये ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बन जाएगा, तो ये इसको ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बनेंगे। अब अगर अपन को पाई बॉन्ड बनाना है डी ऑर्बिटल में तो अपन पाई बॉन्ड ऐसे बनाएंगे, मैंने अभी बना के दिखाया था आपको कि डी ऑर्बिटल में आप पाई बॉन्ड कैसे बनाते हैं डी डी ओवरलैप। तो अगर मान लो ये अपना एक्स एक्सिस है तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला अपन अज्यूम कर लेते हैं वाई एक्सिस अज्यूम कर लेते हैं अपन, है ना, ये वाला अपन वाई एक्सिस अज्यूम कर लेते हैं ऐसे, तो अपन सबको पता है कि मान लेते हैं अपन ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होंगे डी ऑर्बिटल में, ये वाई एक्सिस है और इसमें अपन पी ऑर्बिटल को ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करवा देते हैं अप्रोच करते हैं, ये सपोज करते हैं पर पी वाई है और इधर ये एक्सिस ऐसे अप्रोच कर रहा है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये इससे ओवरलैप करेगा और ये इससे ओवरलैप करेगा, तो इस टाइप के ओवरलैपिंग को अपन कहते हैं डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग बोलते हैं, है ना, इसको अपन डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है ना, तो इससे जो बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यहां पर अगर अपन ओवरलैपिंग करेंगे तो एक मिनट रुकना है,
तो अपने पास ना इसमें अपन प्रॉपर एक्सेस की भी बात करेंगे कि भाई दोनों अगर एक्सेस हैं तो इसको भी एक्स होना चाहिए, तो वो प्रॉपर एक्सेस की भी बात होनी चाहिए कि भाई कैसे ओवरलैपिंग करेंगे तो अपन को तो पॉजिटिव और नेगेटिव वो मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं अपन कि भाई यहाँ नेगेटिव ओवरलैपिंग की बात करें इसमें, तो ऑब्वियसली बात है अपन को दिख रहा है यार कि मतलब अगर ऐसे बना दिया तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो अगर अपन इसको ऐसे भी अप्रोच कर दें, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो भी पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव ही होगा ना, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव ही होगा ना, तो इसमें ओवरलैपिंग तो है, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं। इसमें भी ये नेगेटिव ऊपर लिखे हैं अपन, पॉजिटिव नीचे लिखे हैं, तब भी अपन पॉजिटिव नेगेटिव मतलब इसमें भी अपने पास नेगेटिव ओवरलैपिंग ही होता है। अगर मान लो इसको अपन ओवरलैप करें ऐसे, तो इसको भी अपन नेगेटिव ओवरलैपिंग ही बोलेंगे, मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये तो डी ऑर्बिटल हो गया, इधर नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है। अब अपन इधर पॉजिटिव कर लेते हैं और इधर नेगेटिव कर लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस टाइप से ओवरलैपिंग जो हो रहे हैं, मतलब अपन ने प्रॉपर एक्सेस से भी अगर अप्रोच किया है कि भाई ये भी एक्स था, ये भी एक्स था, लेकिन इसमें अपन कहेंगे कि भाई नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है तो ये नेगेटिव हो रहा है। अब इसमें अगर अपन जीरो ओवरलैपिंग कहें तो अपन कहेंगे अगर मान लो इसको ओवरलैप करें अपन इस वाई एक्सेस से, जैसे इधर एक्स से अप्रोच कर रहे हैं ना, तो अगर इसके वाई एक्सेस से अप्रोच करें तो अपन कहेंगे वाई से अप्रोच करने का फायदा क्या हुआ, अगर ऑर्बिटल नहीं होगा तो फिर क्या फायदा, ये अपन ऐसे अप्रोच कर लें तो भाई मेरे पास ऐसे है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और अपन इसको ऐसे अप्रोच कर लें, मतलब एक ऐसे हो गया ऑर्बिटल और एक ऐसे हो गया ऑर्बिटल, तो इस ऑर्बिटल में ऐसे अप्रोच कर लें, ये ओवरलैप है ना, तो अगर इस पे ओवरलैप कर रहे हैं ऐसे तो अपन बता सकते हैं कि भाई किस टाइप से अपन ओवरलैपिंग बता सकते हैं। इसकी बात करें अगर अपन सिक्स्थ वाले की बात करें तो देखते हैं अपन राइट ना क्या कर सकते हैं अपन इसमें, कि विल राइट दैट कि भाई जैसे अपने पास मान लेते हैं कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग के लिए दो डी ऑर्बिटल को ओवरलैप करते हैं, मतलब अपने पास एक डी ऑर्बिटल ऐसे है और एक डी ऑर्बिटल ऐसे, और इसमें सपोज कर लेते हैं पर ये अब जैसे ये बनाया अपन ने, तो ये अपन को पता था कि आपने एक्स और वाई एक्सिस में बनाया है तो ये डी एक्स वाई था, तो अपनी मर्जी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि अपन मतलब ऐसे करें कि भाई इसको भी अपन ऐसे बोल सकते हैं कि मैं तो इसको मतलब जेड और वाई एक्सिस में बनाऊंगा, तो ठीक है बिटवीन जेड और वाई बनाओगे तो मैं उसको ऐसे लिख दूंगा कि भाई ये डी वाई जेड एक्सिस है, मतलब डी वाई जेड ऑर्बिटल है। अब इसमें भी अपन को ये बताना पड़ेगा कि भाई दूसरा ऑर्बिटल जो अपन बनाएंगे यहाँ पर, तो उसमें भी प्रॉपर एक्सेस अपन को ओवरलैप करने के लिए बताना पड़ेगा, तो यहाँ पर अगर ये ओवरलैप कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये इस पे ओवरलैप करेगा तो ये भी जेड एक्सेस अपन डी एक्स डी वाई जेड बना लेंगे, तो डी वाई जेड और डी वाई जेड अगर ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, तो कहते हैं इन दोनों के ओवरलैपिंग से ये बनाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव भी पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव, तो दिस विल बी डी पाई बॉन्ड डी डी ओवरलैप। तो मुझे लगता है कि भाई इसमें भी अपन को पता है, अगर नेगेटिव ओवरलैपिंग बताना है तो कैसे बताएं, तो यू गॉट दैट नेगेटिव ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग और पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होता है। अब इसमें कभी कभी अपन को डायरेक्टली क्वेश्चन दे देते हैं कि एक पर्टिकुलर, अब यहाँ तो अपन ने डायरेक्टली बना के देख लिया कि भाई पॉजिटिव क्या होंगे, नेगेटिव क्या होंगे, जीरो क्या होंगे, अब हमें क्वेश्चन में मतलब बोल देते हैं कि भाई दो ऑर्बिटल मतलब चार ऑप्शन के बिना, और पूछ लेते हैं कि बताओ कि इसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा या कि इसमें पाई बॉन्ड बन सकता है, और उसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सेस देते हैं, लेकिन जैसे अपन एक क्वेश्चन करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ कि भाई कैसे, तो नेक्स्ट वीक पे ही देख लेते हैं अपन वो क्वेश्चन को। ठीक है, ये बना चुके होंगे तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। अब मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड ऑन ओवरलैपिंग थ्रू
जेड एज या एक्स भी ले सकते हैं अपनी मर्जी जो चाहेंगे एज जेड एक्सेस एज इंटर न्यूक्लियर एक्सेस न्यूक्लियर एक्सेस इस टाइप से अपन को दे देते हैं। तो अपने पास जैसे सपोज गिवन है अपन को कि भाई अपन कहेंगे पी एक्स और पी एक्स है या अपन कहेंगे कि भाई हमारे पास ऐसे बी में अपन ऐसे कर लेते हैं दैट इज एस और पी वाई है फिर अपन लिख लेते हैं सी लिख लेते हैं दैट इज पी एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और फिर अपन लिख लेते हैं दैट इज पी वाई एंड डी एक्स वाई स्क्वायर है डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी लिखना चाहता था मैं इसमें तो अपन ऐसे कुछ कुछ अपन को गिवन हो गए तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपन लिख लेंगे एंड सपोज पी जेड है ऐसे राइट और एफ अपन लिख लेते हैं दैट इज डी एक्स वाई एंड डी वाई जेड ऐसे लिख लेते हैं। चलो पहले ये बना के देखते हैं हो सकता है कि एक भी ना है मैंने रैंडमली लिखे हैं क्योंकि मैं भी चेक करूंगा मुझे ना तो अपन आंसर लिखते हैं हो सकता है एक बिना अपन आंसर जीरो लिखते हैं कितने हैं तो बता देंगे जीरो अगर नहीं आया तो मेरे ख्याल से एक आध तो आ ही जाना चाहिए बट मैं बना के ही लिखूंगा। मुझे पी एक्स बनाना है ये पी एक्स है मान लेता हूं और ये पी एक्स तो ये इसका जेड एक्सिस है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है अपन कहेंगे अगर ये एक्सिस के थ्रू दोनों को अप्रोच करोगे ना तो पाई बॉन्ड भी बने तो अपन कहेंगे सर ऐसे क्यों बनाया आपने ऐसे क्यों नहीं बनाया मेरी मर्जी में तो ऐसे बनाऊंगा ये बी एक्स ये पी एक्स ये दोनों पी एक्स ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ये नेगेटिव तो अपन कहेंगे भाई आप ऐसे थोड़ी अप्रोच कर सकते हैं इसको आपने कहा है कि जेड एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आपको इन एक्सिस के थ्रू अप्रोच करना होगा एक दूसरे अब इसको इधर इसके सामने लेके आओ और जेड एक्सिस के थ्रू इसको अप्रोच करो ऐसे थोड़ी हमें थोड़ी अपनी तरफ से अप्रोच करना है आपको इसको इधर सामने लेके आना पड़ेगा और फिर अप्रोच करना आप इसको इधर से नीचे से लेके आओ फिर अप्रोच करो क्योंकि आपको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस आपको जेड एक्सिस के थ्रू ही आपको अप्रोच करना पड़ेगा। अब इसमें तो अपन कहेंगे भाई सिग्मा बॉन्ड बनेगा बनेगा अब अपन जैसे कहेंगे उसका रीजन है क्योंकि अपन बी लिख लेते हैं सो इधर तो पाई बॉन्ड बन रहा है बी वाले में सिंस एस है ना अब एस में अपन कहेंगे ठीक है अगर इसमें जेड एक्सिस ये है ये जेड एक्सिस और ये अपने पास क्या गिवन था पी वाई था अपन कहेंगे भाई ये पी वाई है क्योंकि पी वाई तो अपन को ऐसे बनाना ही पड़ेगा। अब इसका भी जेड एक्सिस है अब इसका जेड एक्सिस तो कुछ भी हो सकता है लेकिन इसका जो जेड एक्सिस होगा वहां से ही अप्रोच करना पड़ेगा तो जीरो हो रहा है मैं इसको यहां से नहीं ला सकता नहीं फिर तो इसका पी वाई से अप्रोच कर दिया ना आपने और आपने लिखा है कि जेड एक्सिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आपको जेड एक्सिस से ही अप्रोच करना पड़ेगा दोनों को फिर तो इसमें जीरो ओवर लगेगा। चलो सी की बात करते हैं देखते हैं सी वाले में मुझे पी एक्स बनाना है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो पहले अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो ऐसे होगा ये x ले लेते हैं अपन ये y ले लेते हैं और ये अपन ले लेते हैं ये अपन ले लेते हैं ये प्लस हो गया ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया माइनस हो गया तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बिटवीन नहीं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो अपन ने गलत बना दिया बट ऑन द एक्सिस बनाना चाहिए ना अपन को तो मैं सोच रहा था उसको वैसे बनाने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो ऑन द एक्सिस होगा ये बन गया भाई डी एक्स स्क्वायर अब xy पे ही बना दिया अपन ने ये y है ये x
तो अपन कहेंगे अब क्या बनाए, अब px बना लो आप, तो px तो ये हो जाएगा, ये px है अपने पास, सपोज ये px बना दिया, तो ये इसका zx है, तो ये px हो गया अपने पास, ये px हो गया। अब अगर ये px है तो इसका z एक्सिस ये है, तो इसका z एक्सिस मैं इससे ओवरलैप करूंगा, इसका z एक्सिस अगर मैं इससे ओवरलैप कर, ये अपने क्या बनाया dx पर माइनस y स्क्वायर है, ये x है भाई। अब इसका z एक्सिस तो ऐसे होगा ना, ये मतलब कैसे, इन दोनों से ये तो क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, अब ये इसका z एक्सिस है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाँ ये इसका x है, ये इसका y है, तो इसका z इन दोनों से परपेंडिकुलर होगा, मतलब स्क्रीन से परपेंडिकुलर होगा इसका z एक्सिस, जहां कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको इसके सामने लेके आता हूं ऐसे, इसको इसके सामने लेके आता हूं ऐसे, क्योंकि इसका z एक्सिस तो बाहर की तरफ निकला होगा, अपनी तरफ होगा ना इसका z एक्सिस, तो वो 90 डिग्री पे होगा ना तीनों एक्सिस। तो अपन क्या करेंगे, इसको जब इससे अप्रोच करेंगे, इससे तो z एक्सिस इसका बाहर की तरफ है, तो अपन को ऐसे दिख रहा होगा, मतलब जिस प्लेन में ये y वाला ऑर्बिटल बना हुआ है ना, ये वाला बिल्कुल उस y वाले ओवरलैप, y वाले ऑर्बिटल पे ओवरलैप करेगा, मतलब ये ऑर्बिटल जो है ये y वाले ऑर्बिटल पे ओवरलैप करेगा, अगर ये दोनों आपस में z एक्सिस से ओवरलैप करेंगे तो करेगा ना, बिल्कुल करेगा, मतलब ये जो है ऐसे ये इस पे ओवरलैप करेगा अगर दोनों z एक्सिस से अप्रोच करेंगे, मेरी बात से समझ में आ गया, अपन बस साइन लिख लेते हैं, अब प्रॉब्लम ये होगा कि ये तो इस पे ओवरलैप करेगा और ये इस पे ओवरलैप, तो इन दोनों के ओवरलैपिंग से तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन इन दोनों के ओवरलैपिंग से नेगेटिव आ रहा है, मतलब ओवरलैपिंग तो है, अब नेगेटिव ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन कहां से, देयर इज नो बॉन्ड, देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन, तो फिर डी की बात करते हैं, सो नेगेटिव ओवरलैपिंग हो गया, अब डी की बात, चलो dxy और py की बात करते हैं, तो dxy इज लाइक दिस, ये dxy, ये dxy, अब dxy में ये पहले लिख देता हूं, पता भी नहीं, अब क्या है इसका z एक्सिस तो इधर होगा ना ऐसे, ये y एक्सिस है, z एक्सिस, अब इसका py बना लेते हैं, तो अपन कहेंगे पी वाई तो ऐसे होगा, चलो बना लेते हैं, तो इसका z एक्सिस तो उससे परपेंडिकुलर होगा ना, लेकिन इधर पॉजिटिव बना लेते हैं नेगेटिव, तो इसको ना इसका z z एक्सिस अगेन परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन होगा, अपनी तरफ होगा ना z एक्सिस, जब अपन इसके z एक्सिस को ओवरलैप करेंगे इधर, तो इसका y एक्सिस और इसका y एक्सिस, मतलब ये इधर ओवरलैपिंग करेगा और ये इधर ओवरलैपिंग करेगा, तो ये तो जीरो ओवरलैपिंग हो गया, ये तो जीरो ओवरलैपिंग। अब अपन ई की बात कर लेते हैं, भाई ई की बात करेंगे तो चलो देखते हैं क्या होने वाला है, ई में अपने पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, मतलब ऑन द एक्सिस है, ये ऑन द एक्सिस, y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और अपन को pz बनाना है, अब इधर पॉजिटिव ले लेता हूं, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, नेगेटिव, अब अपन के पास z एक्सिस इज लाइक दिस, अपन ने ये pz बना लिया, ये pz है, पॉजिटिव ले लेते हैं, ये नेगेटिव ले लेते हैं, अब इसको कहां ओवरलैप करें, अपन कहेंगे ये z एक्सिस है इसका, तो इसको इसके z एक्सिस को ओवरलैप करो, तो इसका z एक्सिस तो परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन होगा ना,
इसका z एक्सिस तो परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन होगा। सो इसका z एक्सिस अगर परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन होगा और इसको अपन स्क्रीन से परपेंडिकुलर ही तो अप्रोच करवाना है, वहां तो कुछ है ही नहीं भाई। इसको इस पे ओवरलैप करते अगर x एक्सिस पे, जैसे ये भी x होता ये px होता, तो अपन कहते चलो सिग्मा बॉन्ड बना देंगे इस तरफ से ओवरलैप करके नेगेटिव की नेगेटिव। लेकिन यहां तो बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि इसका z एक्सिस इसके परपेंडिकुलर ना z एक्सिस इसका, तो ये अगर इससे परपेंडिकुलर अप्रोच करेगा, इससे परपेंडिकुलर अप्रोच करेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन तो हो गई, ये भी जीरो हो गया। एक तो बॉन्ड बना, चलो f की बात करते हैं। f में d जीरो कैसे होगा सर? जीरो ऐसे ना, ये पीजन है। अब ये जो ओवरलैप करेगा इसके यहां ओवरलैप कर रहा है, ये सर तो माइनस के साथ प्लस होगा ना सर, तो पाई बॉन्ड होगा ना? कहां है माइनस के साथ प्लस? ऐसे ओवरलैपिंग हो रहा है, ये ऑर्बिटल है और ये इधर जाके ओवरलैप कर रहा है, मतलब डी आपको ऐसे ऐसे दिख रहा है, ऐसे डी ऐसे है, आपने ऐसे बना रखे ना डी। हाँ इसका ये ग्रीन वाला जो है ना, ये ग्रीन मार्कर, ये इसका जेड एक्सिस है। अब इस पे जेड एक्स, इस पे ओवरलैप करें अपन जेड को, ये जेड वाला दूसरा वाला है, तो ये इन चारों में से किसी ऑर्बिटल को ओवरलैप हुआ क्या? नहीं सर, समझा सर। तो फिर तो यार जीरो होगा। हाँ तो ये पूछना ज्यादा अच्छा होता है, पता जैसे तुमने पूछ लिया ना तो मुझे भी कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यार हाँ तुमने समझ लिया। तुम लोग कुछ नहीं पूछते तो मुझे लगता है यार चलो समझ रहे होगे, कोई बात नहीं, अगर नहीं आएगा समझ में तो पूछ। अब अपन क्या करेंगे लास्ट वाले को, क्योंकि देखो जीरो ओवरलैपिंग और नेगेटिव ओवरलैपिंग आ गया ना, तो पदरे ओवरलैपिंग अब यहाँ आ जाएगी कि हाँ यार इसमें जीरो नहीं है सर, हमें अच्छे से पता है कि नेगेटिव क्या होता है और पॉजिटिव जीरो क्या होता है, तो फिर पॉजिटिव तुम लोग बता दो। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई और डी वाई स्क्वायर। अच्छा ठीक है भाई, डी एक्स वाई बनाना है मुझे, तो मैं डी एक्स वाई बना लेता हूँ। ठीक है, तो एक्स वाई का मतलब हो गया बिटवीन द एक्सेस, ये एक्स हो गया ये y हो गया, तो बिटवीन द एक्सेस मेरे पास आ जाएगा ये बिटवीन द एक्सेस। ठीक है, इन दोनों को पॉजिटिव लिख देता हूं, इसको नेगेटिव। अब अपन को फिर पता है कि यार इसका z एक्सेस तो इससे परपेंडिकुलर है ना, मतलब z एक्सेस इन दोनों एक्सेस से परपेंडिकुलर होगा। अब क्या बनाना चाहते हैं अपन, dyz बनाना चाहते हैं, चलो भाई dyz बना लेते हैं। तो dyz विल बी लाइक दिस, एक y ले लेते हैं और एक z ले लेते हैं, और डी वाई जेड को अपन ऐसा, अब अपन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कहीं भी लिख सकते हैं, अपन ऐसे लिखते हैं कि भाई अपना कुछ काम बनाए। अब ये जेड एक्सिस को मतलब इसको इससे परपेंडिकुलर लेके जाना है, इसको अगर परपेंडिकुलर मतलब इसको, इसका जो जेड एक्सिस है जो अपनी तरफ है, अगर उससे ओवरलैप करूंगा तो देखो हमें ये पता होता है कि ये चारों लोब्स जो है ना ये एक ही प्लेन में है, ठीक है। अब इसमें एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है इससे, ये जेड एक्सिस है, तो इसका जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होगा इन दोनों के प्लेन से, मतलब स्क्रीन के प्लेन से। अब अगर अपन इसको मतलब इसको अप्रोच करें, अगर अपन स्क्रीन से परपेंडिकुलर, अगर इसको अपन अप्रोच करें स्क्रीन से परपेंडिकुलर, ये वाला पार्ट ऐसे अप्रोच करना है, ठीक है ना। अगर अपन इसको स्क्रीन से परपेंडिकुलर अप्रोच करते हैं तो क्या मिलेगा अपन को, ऐसे अगर अप्रोच करेंगे तो अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, अगर आप इसको ऐसे अप्रोच करोगे तो ये दोनों ऑर्बिटल जो है ना, ये दोनों वाले ये इधर ओवरलैप कर रहे हैं, भाई इसको क्या करोगे आप, मतलब दोनों आपने ऐसे बना रखे, ठीक है ना, पेन से देख लेते हैं,
जैसे एक तो ये बन गया अपने पास है डी एक्स वाई, अपन एक बना देते हैं कि ये वाला है पहला वाला डी एक्स वाई, ये वाला मैंने पेन से बना रखा है। अब आप चाहते हो एक दूसरा बना दो, एक दूसरा पन्ना ये बना दिया डी वाई। अब अपन को क्या करना है कि इन दोनों में से जो इधर वाला एक्सेस है एक, तो अपन क्या करेंगे इनको अपन को कैसे अप्रोच करना है, ये वाला ऐसे अप्रोच कर रहा है ऐसे पेन है, अब ये इससे परपेंडिकुलर है ना जेड एक्सेस, तो इस वाले से जेड एक्सेस परपेंडिकुलर है, मतलब मेरा जहां थंब है वो जेड एक्सेस होगा इधर की तरफ। अब वहां पर इसको जेड एक्सेस ऐसे लेके जा रहे हैं, इसका जेड एक्सेस अपन ऐसे लेके जा रहे हैं, तो जीरो ओवरलैप जा रहा है, ओवरलैपिंग ही नहीं हो रहा है। That will be zero overlap. तो ये ओवरलैप करेगा इधर इस एक्सिस पे और ये ओवरलैप करेगा इस एक्सिस पे, ये बात ये है ना, तो ये ओवरलैप करेगा इस एक्सिस पे, तो अगर ये एक्सिस पे ओवरलैप करेंगे तो ये तो जीरो ओवरलैपिंग हो जाए, ओवरलैपिंग हो जाए, ये तो ओवरलैपिंग है ही, अगर किसी को डाउट होगा तो पूछेगा। चलो अब मतलब कुछ ऐसे करते हैं कि भाई एक आध बॉन्ड तो बनाओ, ठीक है ना, तो अब मतलब उसमें जैसे अपन ने काफी सारे पार्ट देख लिए, नेगेटिव ओवरलैपिंग पॉजिटिव ओवरलैपिंग इस टाइप से अपन ने देख लिया। अब अपन कहेंगे जैसे अगर अपन को पता है तो अपन ऐसे बना सकते हैं भाई दो डी जेड स्क्वायर है, ऐसे कर लेते हैं कि मान लो एक हो गया डी एक्स वाई और एक हो गया इसमें जेड एक्स और इंटरमीडिएट एक्स और इसमें भी पूरा एक्सेस इंटरमीडिएट एक्सेस होता है, तो dx y और px ले लेते हैं, है ना, तो px अगर होगा तो px को ओवरलैप करेंगे अगर अपन तो परपेंडिकुलर होगा विल राइट लाइक दिस, तो px ले लेते हैं dx y को px, तो ठीक है अपन कहेंगे भाई h वाला ऐसे हो जाएगा dx y होगा ऐसे, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया ना, ये पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ये पी वाई हो गया और ये पी जेड हो गया, ये जेड हो जाएगा एक्सेस, ये एक्स हो जाएगा डी एक्स वाई, नहीं इसको डी जेड ले लेता हूँ, वाई जेड है तो अपन इसको वाई जेड लेंगे क्योंकि जेड एक्सेस है तो मुझे एक तो जेड लेना पड़ेगा नहीं तो नहीं आएगा, ओवरलैप नहीं बनेगा, सो ये जेड है। अब इसमें अपन कर लेते हैं ये पी जेड हो गया, ये जेड एक्सेस है और ये पी एक्स, ये इसको ओवरलैप करेगा और ये इसको ओवरलैप करेगा, सो मैंने ये डी वाई जेड और डी जेड एक्स लिया हुआ है, वाई जेड and px है, तो अगर ये overlap करेंगे तो we'll get that तो overlap करेंगे तो we get that मतलब we'll get that d by p by d by p by अब एक sigma bond बना लेते हैं, एक sigma bond भी बना देता हूँ h एक i लेके sigma bond, तो एक और ले लेते हैं अपन, तो एक ले लेंगे अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी दैट इज वी कैन राइट दैट जेड एक्स स्क्वायर आऊंगा तो डी जेड स्क्वायर ही मिला, तो इसको डी जेड स्क्वायर ले लो या पी जेड ले लो, डी जेड स्क्वायर भी ले सकते थे पी जेड, चलो आइए ले लेते हैं अपन, तो अपने पास एक आप डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाओगे, तो ये हो गया अपना डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव ऐसे कर दिया अपन ने, और ये इसका हो जाएगा एक्स एक्सिस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नहीं यार इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ये लेना चाहिए ताकि मेरे पास सिग्मा बॉन्ड तो बने,
पीएक्स लूंगा, पीएक्स लूंगा तो बी नहीं बन पाएगा, तो फिर मुझे डीएक्स और माइनस वाई स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो मैं अगर डीएक्स और माइनस वाई स्क्वायर लेता हूँ ये तो डीएक्स और माइनस वाई स्क्वायर हो गया। इसमें सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो पहले बना लेते हैं उसके बाद अपन लिखते हैं क्या उसको। देख भाई पहले अपन ऐसे बना लेते हैं, ये मान लेते हैं अपन कि भाई इसमें ना डिवाइजर हो गया, ये हो गया भाई और ये हो गया और एक बना लेते हैं अपन डिवाइजर, एक और डिवाइजर क्या करता है ये बने अरे अपन को सिग्मा बॉन्ड बनाना है, सिग्मा बॉन्ड बनाना बड़ा मुश्किल होता है यार, क्योंकि अपन इंटर निकले एक्सेस जेड एक्सेस लिया ना तो दोनों को क्योंकि जेड एक्सेस पे तो डिवीजन पर इसके पीछे क्यों पड़ेगा अपन तो उससे बना डिवाइजर थोड़ा इजी बना देते हैं है ना, इजी बना के छोड़ देते हैं पी बाई जेड और पी जेड, सो डी बाई जेड और पी जेड उसमें भी नहीं बनेगा और रुकना है क्योंकि इसमें बनाना थोड़ा मुश्किल होगा सिग्मा बन क्योंकि दो ही लोग जो ओवरलैप कर रहे हैं तो चलो एक सिंपल ही बना देते हैं अपन है ना, क्योंकि उसमें बड़ा वैसे हो रहा है ना ऐसे, तो अपन चाहते हैं कि ये दोनों ओवरलैप करें तो फिर इसमें ये भी जेड एक्सेस लेना होगा और सो ये डी वाई जेड ले लेता हूँ मैं, लेकिन फिर बिटवीन द एक्सेस आ जाएगा सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेकिन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बड़ा मुश्किल होता है, सो डी जेड स्क्वायर होगा तो राइट लाइक दिस डी जेड स्क्वायर तो ये हो गया, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये जेड एक्सिस है और पी जेड होगा तो ऐसा विल बी अ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया ये इसको ओवरलैप करेगा ये पी जेड, सो डी जेड स्क्वायर और पी जेड का सिग्मा बन पाएगा, एक तो सिग्मा बनाने था यार कम से कम भाई इतने सारे बनाए अपन ने और एक भी सिग्मा नहीं बना पाया क्या, ठीक है ना, तो अब अपन को ओवरलैपिंग में कोई अब अपन बात करेंगे ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर, ठीक है ये अपना ओवरलैपिंग ऑफ पार्ट बात करते हैं ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर की, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं मेरे ख्याल से सब समझ में आ गया क्या करना है कैसे बनाना है, क्योंकि मोस्टली अपन को पाई बॉन्ड फॉर्मेशन पूछते हैं तो वो इजीली बन जाते हैं, या फिर पूछते हैं कि बताओ कि चार ऑप्शन गिवन होंगे ऑप्शन में से मतलब मैच द फॉलोइंग टाइप भी पूछ लेते हैं बताओ किसके ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड पड़ेगा। चलो नेक्स्ट पेज अब ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर की बात, अभी ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर में देखो सबको थोड़ा आइडिया होता है वेस्पर थ्योरी का, अपन कहते हैं कि भाई ज्योमेट्री जो अपन डिसाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स का वो अपन डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिपल्शन बिटवीन द बॉन्ड पेयर एंड द लोन पेयर, सो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल
is calculated by na geometry of the molecule is calculated by arranging the atoms around the central atoms around central atom so that there is minimum repulsion among them. There is minimum repulsion दूसरा पर लिख सकते हैं रिपल्शन. रिपल्शन होता है कि भाई लोन पेयर रिपल्शन जो होता है ना इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन. बॉन्ड एंगल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बिटवीन द बॉन्डेड पेयर्स. Can only be calculated between the bonded pairs. और बाकी अपन को पता है भाई bond angle और bond length में बाकी अपन लिख सकते हैं भाई bond angle inversely proportional to bond length. And the bond strength inversely proportional to bond length. बाकी आपको जैसे correlate करना है कर सकते हैं. ये minimum part है जो अपन को चाहिए. अब अपन से कोई अलग अलग नहीं पूछने वाला explain the Weber theory. ये Weber theory के main parts है. हाइब्रिडाइजेशन अपन कहते हैं भाई इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी ना इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम साइज एनर्जी एक्सेट्रा आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. Hybrid orbitals. And this phenomenon, the mixing phenomenon, the phenomenon of mixing is called hybridization. अब अपन क्या करेंगे अपन ठीक है डेफिनेशन है ओके चलेगा. हाइब्रिडाइजेशन में अपन को एक बात पता है कि अपन लिखेंगे जैसे किसी का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है तो हाइब्रिडाइजेशन अपन कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अराउंड सेंट्रल सेंट्रल एटम अपन कहेंगे वो हाइब्रिडाइजेशन होगा. अब हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट तो अपन ऐसे करेंगे कि भाई किसी के भी अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं अपन को वो हाइब्रिडाइजेशन उससे अपन बता देंगे. बस एक पार्ट को अपन ध्यान रखेंगे ईच लोन पेयर ऑन सिग्मा ऑन सेंट्रल एटम
on central atom is counted as one sigma. अगर कोई लोन पेयर भी है ना तो अपन उसको एक सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेंगे, जैसे अमोनिया होता है उसमें एक लोन पेयर है और तीन ये अमोनिया में चार हाइड्रोजन है तो सिग्मा बॉन्ड इसको एक अपन काउंट कर लेंगे, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, एक लोन पेयर को अपन सिग्मा जैसे काउंट कर लेंगे। काउंटेड एज वन सिग्मा बॉन्ड इफ, ये वाला पार्ट अपन को थोड़ा ध्यान रखना। If the lone pair is in conjugation, अगर कोई lone pair conjugation में होता है ना, then conjugation अपन को पता है वो delocalization होता है, अब तो मैं repeaters वाले आपको पता है अच्छे से delocalization क्या होता है, is in conjugation then it behaves as pi bond. फिर अपन उसे काउंट नहीं कर सकते, जैसे मेरे पास ऐसे लिखते हैं तो फिर मैं इसको काउंट नहीं कर सकता, सिग्मा ये पाई बॉन्ड है क्योंकि ये तो डी लोकलाइज होता है, तो फिर मैं उसको पाई जैसे काउंट करूंगा, वो सिग्मा बॉन्ड नहीं है क्योंकि वो पाई बॉन्ड बना रहा है, अगर डीलोकलाइज होगा तो वो पाई बॉन्ड होगा, डीलोकलाइज नहीं होगा तो वो पाई बॉन्ड होगा, पर फिर मैं उसे सिग्मा बॉन्ड जैसे काउंट कर सकता हूं। ये पार्ट अपन को ध्यान, अगर कभी भी कोई भी लोन पर डीलोकलाइजेशन में जा सकता है तो फिर अपन उसे कभी भी सिग्मा बॉन्ड जैसे काउंट नहीं, ये पार्ट हमको पता है, दिस इज आई पार्ट। अब मैं नेक्स्ट पेज और हाइब्रिडाइजेशन वेस्पर थ्योरी दोनों को कंबाइन करके अपन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाओ। अब अपन क्या करेंगे, छोटा सा अपन पे टेबल देख राइट ना, जिसमें अपन ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज मान लो अपन को गिवन है भाई, एक तो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं, फिर अपन उसका ज्योमेट्री लिख लेते हैं, अपन उसके बॉन्ड एंगल लिख लेते हैं, और जरूरत पड़ेगी तो अपन शेप भी देख लेंगे, तो क्या ज्योमेट्री और शेप अलग अलग होते हैं? हाँ, अगर सेंट्रल एटम पर लोड पेयर है तो अलग हो सकते हैं, अब एक और पार्ट मुझे बताना था इससे पहले, तो मैं एक काम करता हूँ, शेप को भी रहने दूंगा, मैं छोटा सा शेप ऐसे बना लूंगा, मॉलिक्यूल ले लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, ज्योमेट्री बना लेंगे और बॉन्ड एंगल बना लेंगे, ये बना लेता हूं मैंने, तो अभी मैं क्या करता हूं, पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन बता देता हूं। देख, हाइब्रिडाइजेशन अपन को पता है, अगर सेंट्रल एटम पी ब्लॉक एलिमेंट है, अपन डी की बात नहीं करेंगे, डी अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करेंगे, स्कैंडियम वो सब डी ब्लॉक एलिमेंट, मैं पी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर सेंट्रल एटम पी ब्लॉक एलिमेंट है तो अपन को पता है हाइब्रिडाइजेशन में पहले एस आएगा, फिर पी आएगा, फिर डी आएगा, तो अगर टू सिग्मा बॉन्ड्स है
तो एक एस ऑर्बिटल मिक्स करेंगे एक पी, तो एस पी हाइब्रिडाइज हो जाएगा अगर थ्री सिग्मा बॉन्ड है, तो फिर एक एस होगा दो पी मिक्स करने पड़ेंगे अपन, तो फिर ये एस पी टू हो जाएगा। अगर चार सिग्मा बॉन्ड आएगा, आपको पता है कैसे सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है अराउंड द सेंट्रल एटम, कितने सिग्मा बॉन्ड अपन को पता है, अगर डबल बॉन्ड बनाया तो विनोद है, एक सिग्मा होगा तीन पी होंगे तो फिर एस पी टू। अगर पांच सिग्मा बॉन्ड बने तो एक एस होगा तीन पी होंगे और एक डी होगा, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ये तीन पी हो गए और एक डी हो गया, तो एस पी थ्री डी हो जाएगा। और अगर छह सिग्मा बॉन्ड है तो अपन को पता है फिर अपन एक एस होगा तीन पी होंगे और दो डी होंगे, तो एस पी थ्री डी टू हो जाएगा, और बाकी भी अपन लिख सकते। अब इसमें जो ये वाला डी होता है ये डी जेड स्क्वायर होता है, इसमें एक डी जेड स्क्वायर होगा और एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, और एस पी थ्री डी थ्री होता तो फिर डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स होता है। अगर सेवन सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो मैं इसको एस प्लस थ्री पी प्लस तीन डी लिखता मैं, तो एस पी थ्री डी थ्री, इसमें एक डी एक्स वाई होगा डी वाई जेड होगा डी जेड एक्स होगा, वो सिमेट्री की वजह से। सिमेट्री ऑर्बिटल से स्टेबिलिटी बढ़ती है। सिग्मा बॉन्ड काउंट करना अपन को आता है, अगर मैं किसी के राउंड सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है तो वो अपन को आता है, आप ऐसे लिख के बता सकते हो कि ये सिग्मा बॉन्ड है। अगर हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, जैसे मान लेते हैं अपन कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं सिग्मा बॉन्ड काउंट करने के लिए, मान लो मेरे पास ऐसे लिखा है तो अपन को पता है इसके अराउंड चार सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि चारों सिंगल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा इधर है एक सिग्मा इधर होगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई होते हैं, एसपी दो सिग्मा, एसपी इसके अराउंड तीन सिग्मा, एक इधर और दो पर इधर है दो बॉन्ड, तो इसमें एक सिग्मा होगा एसपी टू, इसमें एसपी टू और इसमें एसपी थ्री, अपने पास मान लो ऐसे गिवन है कि सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और एन एच टू, तो अपन कहेंगे इस पे एक लोन पेयर तो है लेकिन वो डीलोकलाइज होगा, तो सिग्मा बॉन्ड फिर तीन ही बचे, दो हाइड्रोजन के साथ एक इधर, ये एसपी टू, एक इधर और एक सी एच, एसपी दो हाइड्रोजन के साथ और एक इधर, ये भी एसपी टू, सारे एसपी टू, राइट। लेकिन अगर अपन ऐसे लिखते हैं जैसे सी एच टू है डबल बॉन्ड है सी एच है और सी एच टू है और एन एच टू, तो अपन कहते हैं ये तो नहीं डीलोकलाइजेशन में आता, इधर डबल बॉन्ड होता तो डीलोकलाइज होता, वो कंजुगेशन पे ना था, अपन को कंजुगेशन पता है क्या होता है, तो फिर इसका लोन पे डीलोकलाइजेशन में तो नहीं है, तो फिर मैं इसको सिग्मा बॉन्ड जैसे काउंट करूंगा, ये एसपी थ्री, ये भी एसपी थ्री, ये एसपी टू, ये अपन सबको आता है। अब मॉलिक्यूल में ठीक है अपन क्या करेंगे, अगर मान लो अपने पास कोई मॉलिक्यूल की बने जैसे अपन कहेंगे भाई जिसका लीनियर स्ट्रक्चर, जैसे अपन कहेंगे भाई बीसीएल, तो बेरिलियम के अराउंड दो बॉन्ड ही तो बनाओगे आप, बेरिलियम ऐसे ही बनाओगे आप, एक बी ही है इसके दो लोन पेयर होते हैं, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए दे दो, तो दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री लीनियर, बॉन्ड एंगल
इसमें अपन CO2 भी लिख सकते हैं, CO2 होगा तो कहेंगे CO2 भी ऐसे करेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड इधर एक सिग्मा बॉन्ड दो सिग्मा बॉन्ड sp है ज्योमेट्री ली मैं अभी लोन पेयर को नहीं लेके आऊंगा, अभी अपन सिर्फ बॉन्ड एंगल एग्जिट बॉन्ड एंगल देख लेते हैं कैसे होता है। फिर अपन कहेंगे ठीक है अगर मेरे पास BF3 है तो अपन कहेंगे बोरोन के तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दे दो तीन फ्लोरीन है तो सिग्मा बॉन्ड एक दो तीन, थ्री सिग्मा बॉन्ड मतलब एक एस हो गया दो पी हो गया तो sp2 ट्रायंगुलर प्लेन और ट्रायंगुलर प्लेन बनाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है 120 पर CH4 sp3 एबडाइज टेट्राडल होता है और 109.28 मिनट स्पॉट है। अगर मैं sp3 CH4 का स्ट्रक्चर बना लूं यू नो दैट टेट्राडल होगा तो ऐसे एक हाइड्रोजन उधर है एक हाइड्रोजन इधर है एक हाइड्रोजन अपन ऐसे बना सकते हैं और एक हाइड्रोजन अपन ऐसे, ये सारे के सारे बॉन्ड नंबर 109.28 पर अच्छे हैं और ऐसे इसमें छह बॉन्ड निकल्स हैं, एक ही हो गया एक ही हो गया एक ही हो गया एक इन दोनों के बीच में एक इन दोनों के बीच में और एक इन दोनों के बीच में छह बॉन्ड निकल्स हैं तो मैं ऐसे बता सकता हूँ। अपने पास PCl5 हो सकता है, पांच बॉन्ड हो गए क्योंकि फास्फोरस के पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांच Cl है हर एक को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो टोटल कितने पांच बॉन्ड हो गए तो sp3, sp3 मतलब ट्राइगोनल बाइपरमेटल हो गए और ट्राइगोनल बाइपरमेटल में वी से दैट कि वहां पर बॉन्ड एंगल 90 भी होता है और वन होता है दोनों ट्राइगोनल बाइपरमेटल में, वो थोड़ा आइडिया अपन सबको भाई कैसे बिल्कुल बॉन्ड एंगल बताना होता है, इसलिए मैंने अलग अलग नहीं किया क्योंकि अपन से डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पूछे। ट्राइगोनल बाइपरमेटल ये तीनों एक ही प्लेन में है, ट्रायंगुलर प्लेन है और ये परपेंडिकुलर है, ये नीचे से परपेंडिकुलर है तीनों से, वो ऊपर से परपेंडिकुलर है तीनों से, SF6 हो जाएगा, SP3D2 हो जाएगा, ऑक्टेटल बोलते हैं और 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। ऑक्टेटल स्ट्रक्चर कैसे बनता है तो पता है कि सल्फर होगा, चार बॉन्ड एक ही प्लेन में स्क्वायर प्लेन में बना रहे होंगे और दो बॉन्ड पर कटे तो इसमें ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90 सब 90 होंगे तो 12 90 डिग्री होंगे इसमें बॉन्ड एंगल्स, इसका इन चारों के साथ 90, इसका बॉटम से इन चारों के साथ 90 और ये चार आपस में 90 तो है, सो वी गॉट दैट मतलब ऐसे स्ट्रक्चर हम बता सकते हैं। अब sp3d2 अपने ज्यादा पूछते नहीं है क्योंकि बहुत कम मॉलिक्यूल होते हैं जो sp3d3 होते हैं, सो sp3d3 अपन से ज्यादा पूछते नहीं है, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल अपने सिलेबस में है अपन चाहे तो लिख सकते हैं पेंटागोनल बाइपरमेटल और बॉन्ड एंगल 72 डिग्री होता है और 90
पेंटागोनल के लिए अपन के पास आई होता है, दो बॉन्ड तो ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएंगे और इन दोनों से पांच बॉन्ड इन दोनों से परपेंडिकुलर, दो तो ऐसे कर देंगे, दो ऐसे बना लेंगे और एक ऐसे बना लेंगे। तो ये वाला बॉन्ड एंगल 360 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड एंगल 90 हो जाएगा। सो 90 हो गए, 10 इसका इन पांचों के साथ 90 बने, इसका भी इन पांचों के साथ 90 बनेगा और इन पांचों का आपस में जो बॉन्ड एंगल बनेगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है इनसे, तो 360 डिवाइड बाय 5 दैट इज 90। अब इसमें अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, जैसे अपन कहेंगे भाई अब अपन कहेंगे SnCl, तो SnCl2 में क्या होता है कि भाई SnCl2 का मतलब होगा Sn के चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Cl को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दो वही होगी तो फिर एक लोन पे बच गया, सिग्मा बॉन्ड तो तीन हो गए, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में तो है नहीं इसमें, तो sp2। तो ज्योमेट्री sp2, ज्योमेट्री अपन हाइब्रिडाइजेशन से बताते हैं, ट्रायंगुलर बॉन्ड एंगल। अब सेंट्रल एटम पे ना लोन पेयर आ गया, अगर सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर आता है तो जनरली बॉन्ड एंगल जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसका बॉन्ड एंगल जो 120 होना चाहिए था, क्योंकि अब तो अपन उसे ऐसे बनाएंगे भाई ट्रायंगुलर, आपने कहा ना ट्रायंगुलर प्लेनर, तो इसका मतलब अपन तो ऐसे बना देंगे ये ट्रायंगुलर प्लेनर ऐसे होता है, बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए थे। अब अदर एटम तो इसमें दो ही, एक तो लोन पेयर रखना पड़ेगा फिर, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि ये तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है फ्री इलेक्ट्रॉन से, तो फिर इसका रिपल्शन ज्यादा होगा, इसका रिपल्शन ज्यादा होगा तो यहाँ बॉन्ड एंगल 120 से छोटा होगा। तो अपन एग्जैक्टली नहीं बताएंगे लेकिन अपन ऐसे बता देंगे स्मॉलर देन 120। वो एग्जैक्ट अपन को सारे याद रखने के लिए कि भाई ये 117 हो जाएगा, हमें याद रखने की जरूरत है, अपन को सिर्फ ये बता याद रखने की जरूरत है कि क्या इनमें से, ये तो एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल थे, इनमें से एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल होगा क्या यहाँ पर, तो अपन नहीं ऐसे ही अपन मतलब भाई, या फिर कोई SO2 है अपने पास, सल्फर होता है, छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अदर एटम में ऑक्सीजन है, उसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए दे दो, जिसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए दे दो, आप बॉन्डिंग कर एक लोन पे रहे, तीन सिग्मा बॉन्ड होते हैं भाई, ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है इसलिए अपन उसे तीन सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, तो ये sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, थीटा विल बी लेस देन 120 हो जाएगा क्योंकि इसमें भी एक लोन पेयर है, अगर लोन पेयर है तो थीटा विल बी लेस देन 120 होगा, जब लोन पेयर नहीं होते हैं तो ही एग्जैक्ट बॉन्ड निकल जाते हैं। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, अपन कहेंगे PCl4 पॉजिटिव है, तब देखेंगे सर फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पांच होते हैं, अपन क्या करेंगे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एक लोन पेयर सेंट्रल एटम से हटा देंगे और अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसी में एक डाल देंगे, हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे, तो एक सीएल, दो सीएल, तीन सीएल और ये चार सीएल, अगर ये चार सीएल हो गए तो sp3 हो जाएगा, टेट्राडल हो जाएगा और एक भी लोन पेयर नहीं है इसलिए मैं इसको 109.28 में इसको बोलूंगा। दैट इज हाउ वी कैन राइट द हाइब्रिडाइजेशन।
अब इसमें शेप बता देंगे अपन, जैसे ये था ना, इसका शेप क्या हो जाएगा, तो अपन कहेंगे लोन पेयर तो हमें दिखते नहीं है, तो फिर हमें तो ऐसे ही दिखेगा कि भाई एक सीएल है, एक एसएन है और एक और सीएल है, तो इसको अपन कहते हैं एंगुलर या बेंट शेप, या तो बेंट बोल देंगे या फिर एंगुलर शेप बोल देंगे। तो अगर एक भी लोन पे रहेगा ना सेंट्रल एटम पे, तो फिर एग्जैक्ट ज्योमेट्री नहीं होती, ज्योमेट्री तो अपन हाइब्रिडाइजेशन से लिख देंगे ये वाले, लेकिन शेप अलग हो जाएगा अगर लोन पे आएगा, क्योंकि उसे हमें हटा के बताना पड़ेगा ना शेप कैसे बैठा, शेप को। तो ये अपना हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल शेप है। मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल देता हूँ, आप मुझे कैलकुलेट करके दिखाना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, मैं कुछ और मॉलिक्यूल आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे सपोज अपने पास ऐसे गिवन है, मेरे पास गिवन है ऐसे कुछ कुछ और मॉलिक्यूल अपन ले लेते हैं अदर एग्जांपल। सपोज मेरे पास मुझे ऐसे गिवन है भाई BF4 नेगेटिव आ, ठीक है, तो एक बोरोन लिखूंगा, तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं और चार फ्लोरीन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, इसमें 3 हो। दूसरा चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं अपने पास मतलब बनने का, भाई हमारे पास ऐसा क्या है, H2O के बने तो ऑक्सीजन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं, 2 हाइड्रोजन हो गए, तो लोन पेयर होगा एसपी थ्री बनने का SOCl2, ठीक है, सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को 2 चाहिए था दे दिए, क्लोरीन को 1 चाहिए था दे दिया, एक लोन पेयर हो गया, 1, 2, 3, 4 हो गए एसपी थ्री हो गए। अब इसमें 2 लोन पेयर थे, तो अपन कहेंगे एंगुलर शेप, इसमें एक लोन पेयर था, तो अपन कहते हैं जैसे अमोनिया का होता है पिरामिडल शेप, शेप पिरामिडल शेप मतलब रेड लेंथ उसका, जैसे अमोनिया में होता है भाई सल्फर होगा, एक लोन पेयर होगा, एक डबल बॉन्ड होगा और 2 सीएल होंगे। अगर बॉन्डेड को अपन ये तो अपन को दिखेगा नहीं, तो ये कैसे दिखेंगे, ये पिरामिड जैसे बन के दिखेगा। अब मान लो अपने पास गिवन होगा SF4 गिवन है, तो अपन कहेंगे सल्फर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए दे दो, एक 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 लंबर, तो sp3d हो गया। sp3d का मतलब है मैं सल्फर यहाँ रखूंगा और ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल बनाऊंगा। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में अब इसमें लोन पेयर है, इनमें तो लोन पेयर अपन कहीं भी रख सकते थे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें 2 टाइप के बॉन्ड एंगल है, एक 120 और एक 90, तो फिर लोन पेयर हमेशा वहां रखा जाएगा जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, क्योंकि उसको ज्यादा स्पेस चाहिए, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, एनर्जी ज्यादा होती है। इसलिए अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो लोन पेयर हमेशा वहां रखा जाएगा जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होंगे, तो अपन यहां रखेंगे। इन तीनों पोजिशन में से आप कहीं भी रख सकते हो, इनको अपन कहते हैं इक्वेटोरियल पोजिशन, और यहां पर लोन पेयर हमेशा ज्यादा बॉन्ड एंगल पर रखा जाएगा। वैसे अलग बॉन्ड एंगल इसी हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं, बाकी में नहीं होते। sp3d वो ज्यादा बॉन्ड एंगल और लेस सुपर।
ये इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं, ये एक्सियल पोजीशंस, इनको अपन एक्सियल बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड, और ये वाले इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। That is excellent. अब obvious ही बात है, अगर कोई एक बात बताए, अगर bonding के लिए अलग अलग होंगे ना तो bond length भी अलग अलग होंगे, मतलब bond length की अगर अपन बात करें तो axial bond जो होंगे ना they are greater than equilateral bonds. वो क्यों? क्योंकि जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा वहां बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, जब बॉन्ड एंगल छोटा होगा वहां बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। पर इसका हाइब्रिडाइजेशन अच्छा नहीं हुआ, वो क्यों? क्योंकि आपने कहा था हाइब्रिडाइजेशन में तो बॉन्ड लेंथ भी इक्वल होता, इक्वल शेप एंड साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, या इक्वल साइज कहाँ है? इसका बॉन्ड लेंथ तो बड़ा है इससे, बट इसमें इसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है मॉलिक्यूल में, इसलिए ऐसे प्लेस किया। हाँ तो फिर मैं इसको ऐसे हाइब्रिडाइजेशन भी लिख सकता हूँ ना, अगर जरूरत पड़े तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगुलर जो है वो अलग बॉन्ड लेंथ है और ये अलग है, तो ट्राइंगल बनाने के लिए sp2 कर लेता हूँ और pd कर देता हूँ, ये एक्सेल बना। कभी कभी मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि दो टाइप का मिक्सिंग हो रहा है, अगर मेरे पास I3 नेगेटिव है तो मैं कहूंगा I3 नेगेटिव में एक ही सेंट्रल एटम हो गया, नेगेटिव चार्ज के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और दो आई अदर एटम होंगे, sp3 dr। sp3d का मतलब अपन को पता है क्या करना है, ट्रायंगुलर डायग्राम, इधर आई इधर आई इधर लोन पे, आपने बताया ना sp3d में अगर लोन करे तो इक्विटोरियल पोजीशन पे होगा, इसका शेप जो होगा वो सीसा होगा, है सर, दो उसके पैर हो गए और ये वो झूला जैसे होता है सीसा पे, ये ज्योमेट्री तो इसकी अच्छा, लेकिन इसकी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर बायग्राम है, ये शेप है, और ज्योमेट्री इसकी हाइब्रिडाइजेशन से बताया, ठीक है, दैट इज ट्राइगोनल बाय, अगर वन ऑप्शन है और दोनों गिवन है तो इसको टिक करते हैं, शेप पूछ रहा है इसका मतलब, भले ही ज्योमेट्री लिखा, वैसे जनरली करते नहीं है लेकिन अपन उसको बता सकते हैं, इसमें 180 डिग्री बनना पड़ेगा इसके लिए, इसलिए मैं इसको लीनियर शेप, क्योंकि लोन पेयर तो दिखते ही नहीं था, तो अपन को ये एक्सेस दिख रहा होता बस, तीनों आइटम का, कि वो तीनों आइटम एक ही एक्सेस पर आते हैं, बस वही दिख रहा होता। अगर अपन को ना ऐसे गिवन है, तो अपन कहेंगे फास्फोरस है, पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर एक को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दो, तो फिर इसमें फिर sp3d की आएगी, sp3d आएगी।
अब सीएल को कहाँ प्लेस करेंगे, और अब इसमें देखो एग्जैक्ट था लोरबियर आया, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल बना 180, वो इक्वल एंड अपोजिट प्रोपोर्शन था ना, बॉटम साइड से भी और टॉप साइड से। अब यहाँ पर थोड़ा सिमेट्रिकल अपन को नहीं गिवन है ना, सीएल और एफ मिक्स कर दिया ना अलग अलग साइज, तो अपन को पता है सीएल बड़ा साइज ऑक्यूपाई करेगा। सीएल जो है बड़ा साइज ऑक्यूपाई करेगा, तो रिपल्शन कम करने के लिए अपन सीएल को यहाँ फिक्स कर देंगे। अब इसमें एग्जिट बॉन्ड एंगल ये थीटा जो होगा और इधर जो थीटा होगा, ये अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि ये 120 होगा, और यहाँ नहीं बोल सकते आपकी थीटा विल बी इक्वल टू, क्योंकि अब ये सिमेट्रिकल रिपल्शन नहीं है ना, क्योंकि इनके बीच में ये और ये बीच में, अब इन दोनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, इन दोनों के बीच में कम होगा, तो ये बॉन्ड एंगल बढ़ेगा और ये दोनों छोटे होंगे। इधर अपन बोल सकते हैं क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट बन रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि मतलब इसमें क्या होगा कि ये वाला रिपल्शन जो होगा ना, अगर ये भी सीएल होगा तो अपन 90 बोल देते, अगर ये भी सीएल होता ना तो अपन कहते, क्योंकि फिर इसके साथ तीनों का रिपल्शन एक जैसे हो जाता, लेकिन यहां पर इसका रिपल्शन कम है और यहाँ रिपल्शन ज्यादा है, क्योंकि यहाँ सीएल है, मतलब यहाँ वाला जो थीटा है मान लेते हैं कि अपन यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, ये थीटा वन है, ये थीटा टू, तो थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन। जैसे अगर अपने पास ऐसे तो यहां पर अगर बॉन्ड एंगल थीटा वन है और यहां वाला थीटा टू, और यहां वाला थीटा, तो मैं क्या कहूंगा, यहां पर तो 6 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है और यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है, तो ये सारे थीटा इक्वल नहीं हो सकते, तो कहेंगे थीटा टू और थीटा थ्री इक्वल हो सकता है, एंड बोथ विल बी ग्रेटर देन थीटा वन। वो क्यों? क्योंकि यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है, दो ये वाले और चार ये वाले, लेकिन यहां पर सिर्फ चार इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, ये वाला चार इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, ये वाला 6 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, तो छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो फिर मैं एक क्वेश्चन दे दूंगा या तुम लोग क्वेश्चन करोगे, पहले आप देख लो, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं मतलब 10 मिनट का, और फिर उसके बाद शुरू करते हैं। रुक जाते हैं, कोई डाउट था तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर। हेलो, मुझे बता दो, तो अपने मतलब मैं एक टेबल जैसी बना देता हूँ और क्या मॉलिक्यूल लिख देता हूँ, और मॉलिक्यूल लिख लेते हैं, आप मुझे हाइब्रिडाइजेशन बता दो।
ज्योमेट्री बता दो। शेप बता दो। बॉन्ड एंगल्स बता दो। तो मैं थोड़े से मॉलिक्यूल आपसे पूछ, कोई कुछ पूछ रहा है? क्लोरीन में रिपल्शन, फ्लोरीन क्लोरीन में रिपल्शन कम क्यों होगा? क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन के कंपैरिजन में तो, क्लोरीन और क्लोरीन के कंपैरिजन में तो एक छोटा है ना, ये फ्लोरीन छोटा होगा, क्लोरीन बड़ा होगा, दोनों क्लोरीन बड़े होंगे ना? तो अगर दो बड़े एटम्स हैं और लोन पेयर्स हैं तो ज्यादा रिपल्शन होगा एज कम्पेयर टू एक छोटा एटम है एक बड़ा एटम है, रिपल्शन ज्यादा होगा। सर आप ऐसे लिखो, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, एक फ्लोरीन है, बताओ किसका थीटा ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये छोटे एटम है, ये पास आ सकते हैं, थीटा कम होगा, ये बड़े एटम है, ये दूरी रहेंगे, ज्यादा पास नहीं आ पाएंगे, थीटा बड़ा होगा, ये बड़े एटम तो रिपल्शन, वन डाउन रिपल्शन दे दिया जाएगा। मॉलिक्यूल है उसका हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है, उसका ज्योमेट्री बताना है, उसका शेप बताना है और आपको बॉन्डिंग एंगल बताना है। अगर कहीं लोन पेयर है आप बिल्कुल लिख सकते हो स्मॉलर देन ग्रेटर देन लाइक दैट। तो एक PbCl2 ले लेते हैं, एक मैं PbCl3 ले लेता हूँ, एक मैं XCO3 ले लेता हूँ, XCF4 ले लेता हूँ, XCF2 ले लेता हूँ, फिर अपन ऐसे ले सकते हैं दैट इज XCO F4 ले लेते हैं, फिर आप SO2 CO2 ले लेते हैं, NO2 ले लेते हैं, N3 माइनस ले लेते हैं, ये है बस। तो यू हैव मतलब मेरे ख्याल से अगर रिक्वायर
5 मिनट्स, 12 में तो 6 मिनट्स, 12 मिनट में 1 हो जाएगा। जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन अपन सेंट्रल एटम का कैलकुलेट करेंगे।
थोड़ा जल्दी करो यार। हो गया ना, चलो फिर शुरू करते हैं। PbCl2 चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये मैं सारे लिख दूं फटाफट, तो तुम लोग फिर चेक कर लेना कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता देना। ज्योमेट्री ट्रायंगुलर लेना है, शेप उसका एंगुलर है, बॉन्डिंग एंगल उसका थीटा लेस देन 120। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो तुम मुझे बता देना, सर इसमें प्रॉब्लम आया मैं बता दूंगा फटाफट आपको। ICL 3 है, 7-3 चार बच्चे दो लोन पे, SP3D ट्राइगोनल बाइपरमिटल, इसमें लोन पेयर दो है तो फिर टी शेप होगा,
थीटा लेस देन 90। देख आई हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तीन क्लोरीन थे तो मैंने तीन क्लोरीन लगा दिए और दो लोन पेयर आ गए, sp3 डी हो गए, चार पांच सिग्मा हो गए। एक CO3 ज़ेनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आठ होते हैं, हर एक ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दो एक लोन पेयर sp3 तो फिर टेट्राहेड्रल होते हैं और शेप लेकिन चेंज होगा, पिरामिडल शेप होगा और थीटा 109 से कम होगा, लोन पेयर आएगा तो थीटा चेंज होगा। एक सी एफ फोर है तो ज़ेनॉन एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, क्लोरीन हो चार, दो हो गए लोन पेयर, sp3 d2 हो गया। So, sp3 d2 है तो फिर ऑक्टेटल हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा और 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, एक सी एफ टू दो होंगे तो तीन लोन पेयर हो जाएंगे, sp3 d हो जाएगा और ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। लीनियर शेप 180 डिग्री हो जाएगा। XCO4, अब XCO F4, F4 तो लिखा ही था, एक डबल बॉन्ड और बना देता तो भी sp3 d होगा और इसमें एक ही लोन पेयर है, मतलब स्क्वायर प्लेनर के साथ पिरामिड भी बनेगा। तो पहले मैं ऑक्टेटल लिख दूं क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से, तो मैं ऑक्टेटल लिख दूंगा, नहीं अपने पास छह है ना, sp3 d2 हो गया तो ऑक्टा हो गया, स्क्वायर पिरामिड हो गया। पिरामिड बनेगा, थीटा लेस देन 90 होगा क्योंकि अपन इसको फिर ऐसे बनाएंगे ना, तो अपन कहेंगे इसमें ना ऑक्सीजन को वहीं रखना जरूरी है, कहीं भी रख सकते हैं, अपन कहेंगे कहीं भी रख सकते हैं क्योंकि सारे बॉन्डिंग एंगल 90 होते हैं इसमें, तो आप कहीं भी रख सकते हैं, वो सिमेट्री की वजह से बनने ऐसे लिखा, ये प्लेनर हो गया और ये सब पिरामिड बन गए। SO2 Cl2 सल्फर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, दो ऑप्शन है, दो Cl है, चार हो गया sp3 हो गया, मतलब टेट्राहेड्रल हो गया। अब टेट्रा तो ये भी मैं टेट्राहेड्रल ही कहूंगा क्योंकि लोन पेयर एक भी नहीं है, लेकिन बॉन्ड एंगल में 1098 नहीं कह सकता क्योंकि रिपल्शन बिटवीन द क्लोरीन एंड ऑक्सीजन विल बी डिफरेंट देन क्लोरीन क्लोरीन, या ऑक्सीजन क्लोरीन विल बी डिफरेंट देन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो बॉन्ड एंगल इक्वल टू नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे, या थोड़ा बड़ा होना चाहिए कि क्लोरीन बड़े बॉन्ड्स हैं लाइक दैट ना, वो अलग होगा। NO2 में पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, O2 का मतलब है एक डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करूंगा, ये भी सिग्मा, एक बच गया अपने पास इलेक्ट्रॉन, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, तो लीनियर तो नहीं हो सकता, मुझे इसको एंगुलर बताना पड़ेगा। तो एक लो इलेक्ट्रॉन को क्या करूं, इसके रिपल्शन की वजह से ये ना थोड़ा एंगुलर शेप ऐसे बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड हो और तो थीटा जो होगा दैट विल बी ऑब्वियसली बात है ग्रेटर देन, मतलब ऐसे इधर 109 तो अपन थीटा लेस देन लिखना होगा, तो अपन कहेंगे उसको लिखेंगे तो अपन sp2 क्योंकि एंगुलर शेप बना रहा है, बट मैं इसको ट्रायंगुलर प्लेनर बनाऊंगा और थीटा लेस देन 120 क्योंकि ये रिपल्शन होगा ना। N3 नेगेटिव तो अब तीन N है, तो अपन ने थोड़ी देर पहले I3 नेगेटिव बताया था ना आपने कि एक को सेंट्रल एटम ले लो, दो अदर एटम आ जाएंगे, एक एटम ये हो गया,
दूसरे को भी तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए, तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको कोऑर्डिनेट नंबर जिसके पांच लेवल, एक दो तीन चार पांच छह सात और ये हो गया आठ, ये स्ट्रक्चर। सेंट्रल एटम के पास दो सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर एक भी नहीं है, एसटीआई के लिए स्ट्रक्चर लीनियर शेप, लीनियर ज्योमेट्री शेप एंड 180 डिग्री XCF6 ज़ेनॉन होता है, आठ होता है, छह फ्लोरीन है, एक लोन पेयर SP3D3 एक दो तीन चार पांच छह सात, ठीक है, 3+3=6, 1=7 तो पेंटागोनल बाइपार्टाइट अब इसमें एक लोन पेयर है तो ये जो पेंटागोनल बाइपार्टाइट है ये डिस्टॉर्ट होके अपन इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टेट जैसे बोले ऑक्टेट थीटा जो होंगे और लेस देन में। अब ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टेट जो है ना ये मैं बनाऊंगा, मतलब ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टेट कैसे होता है XCF6 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, एक स्क्वायर प्लेन में बना लेते हैं, ऑक्टेट जैसे बनाते हैं, वैसे बना लो, ठीक है, तो इधर एक फ्लोरीन, इधर एक फ्लोरीन, इधर एक फ्लोरीन, इधर एक फ्लोरीन, ऐसे अपन फ्लोरीन रखेंगे, और जैसे ऑक्टेट शेप बनाते हैं अपन वैसे बना देंगे, भाई ये स्क्वायर प्लेन ये तो हो जाएगा ऑक्टेटल शेप, एग्जैक्टली ऑक्टेटल शेप बच्चा सकता है, ठीक है, बॉन्ड नहीं है अपन तो बस ऑक्टेट्रन बन रहा है, ये एक टेट्राहेड्रन ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो ये बन रहा है। अब जो लोन पेयर का प्लेसमेंट होता है ना, वो लोन पेयर जो होता है ना, वो लोन पेयर इन ऑक्टेट्रन, ये फेसेस जो होते हैं इधर ऊपर चार फेस है नीचे चार फेस है, इसलिए अपन उसे ऑक्टेट्रन बोलते हैं, ये इनमें से किसी एक फेस में लोन पेयर रखा हो, तो किसी एक फेस में रखोगे, चाहे इस फेस में रख लो आप, ये वाला जो ट्रायंगुलर टाइप फेस बन रहा है, या इसमें रख लो आप, किसी भी एक फेस में आएगा, तो फिर ये ना रिपल्शन की वजह से थोड़े डिस्टॉर्ट होंगे, तो ये बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएंगे, थोड़ा इधर की तरफ जाएंगे, इसलिए डिस्टॉर्टेड, तो ये जो एग्जैक्टली 90 बनना चाहिए था इस लोन पेयर की वजह से वो 90 से थोड़ा छोटा हो जाएगा, सो थीटा विल बी लेस देन। So it is like this, ये XCF6 ऐसे होगा। अब अगर अपन चेक करेंगे ना ये राइट ना, तो अपन कहेंगे देखो इसमें तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ तो डीलोकलाइजेशन है, सो लोन पेयर तो नहीं काउंट करने वाला, इसलिए मैं इसको SP2 बताऊंगा। नाइट्रोजन अगर लोन पेयर कंजुगेशन में गया तो इसमें अपन कहेंगे लोन पेयर है मेरे पास, इधर अपने पास SiH3 है, तीन हाइड्रोजन है, इधर भी SiH3 है और इधर भी SiH3 है, तो अपन इसको मां इसके पास डी ऑर्बिटल है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल, इज एम्प्टी डी ऑर्बिटल, इस ब्लॉक तो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये वाला ऑर्बिटल एक ही प्लेन में अगर होगा इससे तो ये ओवरलैपिंग करेगा, तो फिर ये पाई बॉन्ड जैसे बिहेव करेगा, ये सिग्मा तो पहले से था तो लोन पेयर विल बिहेव एज अ पाई बॉन्ड, इट इज पाई बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस फिनोमेना, ये भी तो रेजोनेंस बनाना था, ये भी मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल मतलब रेजोनेंस,
तो फिर इसके अराउंड 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, तो फिर ये sp2। अगर वो sp2 होगा तो मैं ऐसे उसका शेप बता देंगे, नाइट्रोजन होगा SiH3, ये भी SiH3 और ये भी SiH3 और वो बारी बारी से एक एक करके कभी यहाँ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा, कभी यहाँ बनाएगा। वी कैन राइट दैट यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन की वजह से पार्शियल डबल बनता है। तो दिस इज इसका पी ऑर्बिटल था और इसका डी ऑर्बिटल था, तो दिस इज कॉल्ड पी पाई डी पाई ओवरलैप, इसका बन जाता है पी पाई डी पाई ओवरलैप। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। अब मान लो अपने पास ऐसे के बने तो पी पाई डी पाई बॉन्ड्स बता रहा और पी पाई बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल्स और इस टाइप के बॉन्ड अगर अपन को मॉलिक्यूल में बनाना है ना, तो सेंट्रल एटम से पाई बॉन्ड बनना चाहिए। कैन ओनली बी फॉर्म्ड इफ सेंट्रल एटम इज फॉर्म्ड पाई बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स। वैसे डबल बॉन्ड ही होता, ट्रिपल तो होता नहीं, ट्रिपल बॉन्ड। अब जैसे मान लो अपने पास ऐसे होता है, एग्जांपल लेते हैं, मतलब मेरे पास सी ऑटो है, इसका अपन को शेप पता है, कैसे स्ट्रक्चर पता है, कैसे होता है, ऐसे होता है। देखो हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा यूज करूंगा ऐसे, एक ऐसा होता है पहले एस यूज करना होता है, फिर पी, फिर डी, डी पांच तक हो सकता है, sp3 d2 के बाद अपन हाइब्रिडाइजेशन वैसे भी नहीं बता सकते, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कम मॉलिक्यूल्स होते हैं। वैसे भी हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल बना होता है। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो सर ये दो सिग्मा बॉन्ड तो बन गए, ये पाई बॉन्ड कौन सा है, तो मैं पता क्या बोले हाइब्रिडाइजेशन बताओ। आप ऐसे लिख लो, हमेशा ऐसे लिख लो मॉलिक्यूल में, तो अपन कहेंगे देख दो सिग्मा बॉन्ड तो इनसे बने होंगे और ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये सेंट्रल एटम से होता है, तो फिर इसने बाकी पाई बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल से बनाया हो, तो अपन कहेंगे इन वाले पी से, एक इसका पी ये वाला और एक ऑक्सीजन का पी, दोनों में डी होते ही नहीं, तो पी पाई के अलावा हो ही नहीं सकता इसमें, ना तो इसमें डी ऑर्बिटल होते हैं ना इसमें डी ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए दोनों के दोनों बॉन्ड जो बनेंगे ना ये पी पाई ऑफ दिस एंड पी पाई ऑफ दिस ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा, इधर भी पी पाई दूसरा। मान लो मेरे पास ऐसे अपन को पता है सल्फर sp2 हाइब्रिडाइज, अपन को पता है एक लोन पे दो डबल। अब sp2 हाइब्रिडाइज मतलब ये तो हाइब्रिडाइजेशन में चला गया सल्फर, तो इसका एक पी और ऑक्सीजन का एक डी, ऑक्सीजन में डी होते ही नहीं, इसका एक पी और ऑक्सीजन का भी पी एक पाई बॉन्ड बना लेगा, और फिर इसका एक डी, ऑक्सीजन में डी होते ही नहीं और इसका पी दूसरा पाई बॉन्ड,
मतलब इसमें एक पी पाई पी पाई होगा, एक पी पाई डी पाई। तो अगर मान लो अपन कहेंगे मेरे पास फॉस्फेट आयन है, तो अपन को पता है जब अपन आयंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो जैसे ऑक्साइड आयंस है, तो अपन को पता है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। चार्ज इज इक्वल टू ओ एटम बॉन्डेड विथ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। फास्फोरस के पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन, वो नेगेटिव चार्ज से ऑक्टेट कंप्लीट कर लूंगा और फिर डबल बॉन्ड ओपन। हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन में तो ये चलेगा अपने पास, ये तो हाइब्रिडाइजेशन चार सिग्मा। अब इसका एक डी और इसका एक पी, तो एक पी पाई डी का बॉन्ड बनेगा इसमें। तो अगर अपन कहेंगे मान लो मेरे पास ऐसा है एक CO3, तो ज़िनोनों में अपन कहेंगे यार अब तुम सीधे बनाओ दो स्ट्रक्चर, अब ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ेगा। अपन को पता है क्या है, इसमें तीन पाई बॉन्ड है, जरा जल्दी से बताओ क्या होंगे। तो अपन कहेंगे sp3 बड़े इसमें, तीन पी तो खत्म हो गए, अब जो भी पाई बॉन्ड बनेंगे वो डी से बनेंगे। भाई sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका एक ऐसा तीन पी तो चलेगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो अब सेंट्रल एटम का डी ऑर्बिटल बचा हुआ है और अदर एटम इसमें पी होता है, डी होता ही नहीं, तो तीन पी पाई डी पाई बनेंगे। तीनों बॉन्ड जो है वो पी पाई डी पाई है। तीनों के तीनों डी पाई बी पाई है, पी ऑफ ऑक्सीजन डी ऑफ, है ना, पी ऑफ ऑक्सीजन डी ऑफ ज़ीनॉन, क्योंकि ज़ीनॉन के बाकी एस और पी तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो मान लो अपने पास ऐसे क्या बना सल्फेट आयन, तो ठीक है इसमें ये अपन को साफ साफ दिख रहा है sp3, ये भी पी पाई डी पाई होगा, ये भी पी पाई डी पाई होगा, दो पी पाई डी पाई होगा। मान लो अपने पास ट्राइफॉस्फेट है या ट्राइमर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड है, स्त्री होना है, मैंने आपको बताया था कैसे कैलकुलेट करना है इनके स्ट्रक्चर्स। इसमें एक भी SS बॉन्ड नहीं है, मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था, बना लेते हैं स्ट्रक्चर्स। ये इसका स्ट्रक्चर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब p तो खत्म हो गया इसके, अब इसका d जो है वही बनाएंगे पाई बॉन्ड। तो इसका d और इसका p, इसका d और इसका, तो एक से दो d पाई p पाई बन रहे हैं, तो 6 हो गए। इसमें दो बन गए थे पी पाई डी पाई, इसमें तो तीन पी पाई डी पाई थे,
हमको कैलकुलेट करना आ गया। हाइब्रिडाइजेशन से अपन कैसे पी पाई डी पाई बता सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट शेयर कर लेते हैं, ये तो पी पाई डी ठीक है। अब थोड़ा सा अपन डाइपोल मोमेंट वगैरह टाइप का ऐसे पढ़ लेते हैं, छोटे छोटे टॉपिक जो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल मोमेंट, एच बॉन्डिंग कर देता हूँ। अपन को पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बाय एफ ओ एंड एन, बट बाकी जगह अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन तो बोल ही सकते हैं, जैसे क्लोरीन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, तो अपन उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करे लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन तो बोल ही सकते हैं। अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक सीएल सल्फर एक्सेट्रा कैन शो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बट नॉट द हाइड्रोजन। तो ठीक है ना, अपन क्या कहेंगे भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप का होता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इंट्रामॉलिक्यूलर। एच बॉन्डिंग और एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं। अब क्या बोलते हैं, देखो जैसे HF है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होना चाहिए, इसलिए अपन कहते हैं कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज काफी सारा ला सकता है। H2O पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गया तो थोड़ा कम हो जाएगा, और NH3 पे और भी कम हो जाएगा। ये नोट्स, हाँ ऑब्वियसली बात है, बैठ के पढ़ाऊंगा तो नोट्स तो देने देने ही पड़ेगा, मैं दे दूंगा, मुझे क्या है, क्लिक ही तो करना है तो सेव हो जाएगा, तो मैं आपको ये नोट्स दे दूंगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल, तो मुझे क्लिक ही तो करना है बस, सेव करके मैं दे दूंगा, वो तो दूंगा मैं नोट्स वाले। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और कम हो गया, इसलिए इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और कम हो गया, इसलिए इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होता है अमोनिया, तो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है इससे इसका स्ट्रेंथ ज्यादा, ये स्ट्रेंथ की बात है। और एच बॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम मस्ट हैव हाई डेल्टा पॉजिटिव, मस्ट हैव हाई डेल्टा पॉजिटिव, ये ज्यादा होना चाहिए। तो HF में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H2O में होती है, बिना होता है, मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है बताने। अब मान लो इन H2O इन अ मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, लिक्विड में ज्यादा होती है, गैस में होती है। जैसे अपन कहेंगे आइस, आइस को दो पार्ट में डिवाइड करना बहुत मुश्किल है, लिक्विड को कर दूंगा मैं हाथ से, और वेपर को तो वैसे पार्टिकल दूर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं,
इसमें सॉलिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे अगर एच एफ सॉलिड शीट में है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एच एफ के लिक्विड शीट। अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जनरली अपन कहते हैं द मॉलिक्यूल फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और लिक्विड है ना, सो तभी ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। अमोनिया रूम टेम्परेचर पर लिक्विड नहीं होता क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। अगर अपन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो एचएफ का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और एनएच3 का बॉइलिंग पॉइंट, एचएफ का बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 19.5 होता है, अपन 20 लिख लेता हूं, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये -35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अपन कहेंगे एचएफ की हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ज्यादा स्ट्रांग है H2O से, फिर H2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कैसे? H2O forms more number of hydrogen bonds than HF. अभी HF में hydrogen bond दो ही बनेंगे, कैसे? एक HF delta negative, delta positive, delta positive, delta negative like that. जबकि H2O में hydrogen bonds ऐसे बनते हैं, इस वाले लोन पेयर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, इस वाले लोन पेयर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, दोनों से बन सकता है। तो अगर लिक्विड है, अगर लिक्विड है तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, अगर लिक्विड है तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एक ये और एक ये, मतलब एक ही लोन पेयर से और ये, एक इधर से और एक इधर से लिक्विड, तो एक दो और तीन हो गए। और अगर आइस होगा तो इधर से भी बनेगा, इस वाले लोन पेयर से अभी बने से बनाया, आइस होगा तो टेट्राहेड्रल शेप होता है क्योंकि अभी तो ये ट्रायंगुलर होता है। तो लिक्विड में वाटर तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, सो जब अपन को दो वाटर मॉलिक्यूल को अगर सेपरेट करना है तो मुझे तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर इस वाटर मॉलिक्यूल को बाकी सबसे सेपरेट करना है तो मुझे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, एक दो तीन। जबकि अगर मुझे HF को सेपरेट करना है तो मुझे दो ही बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होता है ना वही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अट्रैक्शन इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो ये तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सो वाटर फॉर्म्स थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन लिक्विड्स एंड फोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन आइस, इसलिए आइस इज टेट्राहेड्रल शेप, ज्योमेट्री नहीं टेट्राहेड्रल शेप, चारों बॉन्ड बनेंगे ना, ये इधर भी बना होगा, इधर भी बना होगा, इधर भी बना होगा, लाइक दैट।
अब अगर अपन स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बी पार्ट का बी पार्ट स्ट्रेंथ ऑफ अपना ये डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लो मैं ऐसे करता हूं HF और इसका F नेगेटिव के साथ तो ये अरे उल्टा लिखने में मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ही लिखूँ ना, बाकी तुम अपने आप अज्यूम कर ही लोगे ये डेल्टा पॉजिटिव है ये डेल्टा। इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है एफ नेगेटिव के साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बनेगा अगर अपन ऐसे बनाए। ऑप्शन नेगेटिव के साथ ज्यादा स्ट्रांग बनेगा एज कंपेयर टू अगर अपन ऐसे बनाए। बाकी पर बना लेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड नेगेटिव चार्ज है, इसका नेगेटिव चार्ज मतलब ज्यादा स्टेबल होता है अट्रैक्शन करेगा, तो ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो सब में सेम था, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सब में सेम था। फ्लोरीन का अट्रैक्शन क्योंकि फ्लोरीन पे कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का साइज थोड़ा बड़ा है, फिर इससे और इसका साइज थोड़ा और भी बड़ा है नाइट्रोजन के कंपेयर में। लेकिन अगर अपन ऐसे लिखते हैं कि मेरे पास एफ एच है ये सभी पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एक जैसा, अब मैं इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हूं F और H के साथ, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हूं H2 के साथ और इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हूं हाइड्रोजन के साथ, तो यहां डेल्टा नेगेटिव की बात चल रही, अब नेगेटिव चार्ज की बात नहीं चल रही। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे ना ABC ये तो एक जैसा है, तो अमोनिया इज द बेटर डोनर एटम देन ऑक्सीजन। अब यहां एटम डोनर है, एनायन डोनर नहीं है। अगर एटम डोनर है देन इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय फ्रॉम एटम नॉट द एनायन Not from anyone. तो फिर then strength of hydrogen bonds. ये C होगा, C का ज्यादा होगा D से, B का ज्यादा होगा क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो तीनों में एक जैसा, ये अच्छा डोनर आइटम होगा तो इधर क्यों नहीं, वो नेगेटिव चार्ज था ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज कम होगा क्योंकि वो बड़ा साइज है। तो यहां भी डोनर एटम ले लेते हैं आप, नहीं जब नेगेटिव चार्ज है तो फिर डोनर एटम कैसे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, डोनर एटम के इलेक्ट्रॉन को थोड़ी अट्रैक्ट करेगा, तो वो दोनों अलग अलग है, सो अपन को देखना पड़ेगा। अगर नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है तो अट्रैक्शन लग होगा, और अगर डोनर एटम है न्यूट्रल एटम से तो अपन को उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। Any organic compound which is soluble in water is because of hydrogen bond. Water is because of hydrogen bond. Structure of protein is calculated by hydrogen, number of hydrogen.
protein is calculated by number of hydrogen bonds present. इससे कैलकुलेट करते हैं अभी इंट्रा मॉलिक्यूलर विद इन द मॉलिक्यूल होना चाहिए। अब विद इन द मॉलिक्यूल के लिए जनरली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स अपन और भी बना सकते हैं भाई, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, अपन डाइमर बनाता है, कार्बोक्सिल एसिड लेता है, बनाते हैं ना। All carboxylic acids form dimers. Intramolecular में ortho substituted benzene होते हैं और उसमें भी 5 membered या 6 membered transition state करना चाहिए और अपन को पता होना चाहिए जो hydrogen hydrogen bond बना रहा है वो FON किसी एटम से अटैच होना चाहिए और जो अट्रैक्ट करेगा वो भी FON होना चाहिए तभी अपन उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। काफी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें अपन हाइड्रोजन टॉटमराइज करके भी अपन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ट्रांजिशन स्टेट वगैरह बनाते हैं, परसेंटेज ऑफ फिनोलिक फॉर्म्स। मतलब व्हाट वी कैन से इज कि आपको अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने तो ऐसे नहीं है कि आप मतलब ऐसे बनाया और इधर CH3 हो गया, ये नहीं बना पाया। OH तो है लेकिन इधर FON में से कोई नहीं है ना, तो ये वाला इससे बना ले, नहीं लेकिन ये FON से अटैच नहीं है ना हाइड्रोजन, ये नहीं बना पाया। तो क्या अपन ऐसे बना सकते हैं? कितना मेंबर है? 5 मेंबर चलेगा बनाए। अभी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो वोलेटाइल होता है क्योंकि अगर अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा तो फिर दूसरे मॉलिक्यूल से इसका अट्रैक्शन नहीं होगा। अगर दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन नहीं होगा तो फिर अपन उसे वोलेटाइल, तो वोलेटाइल मतलब इजीली वेपराइज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट काफी कम, तो वोलेटाइल। तो मान लो अपन नेक्स्ट पेज पे चल के लिखते हैं थोड़ा। हमारे पास ऐसे क्या है, एक ये गिवन है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर बना सकता है, ये भी इंट्रामॉलिक्यूलर। अगर अपन इन पे बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो नो डाउट सी का ज्यादा होगा इससे, इसका ज्यादा होगा इससे, इसका कम क्यों होगा इससे, तो अपन कहेंगे देखो इसमें थोड़ा सा सिमेट्री कम है इसके कंपैरिजन में। व्हाट इज सिमेट्री? तो अपन कहेंगे हमने उसको डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में जब बोला है, डाइपोल मोमेंट इसका ऐसे मेसोमेरिक इफेक्ट ना, जबकि इसका ऐसे, इसका डाइपोलमेंट इधर होगा और इसका डाइपोलमेंट इधर होगा, इसका डाइपोलमेंट इधर होगा और इसका डाइपोलमेंट इधर होगा, ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं। इनलिए अपन तो यही कहते हैं कि भाई अगर डाइपोलमेंट ज्यादा है तो इस बात पर रिपोर्ट जा रहा है। व्हाट अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट्स? सॉलिड में भी तो
मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अगर और सॉलिड स्टेट में तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स और स्ट्रांग होते हैं, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड। बट अपन कहेंगे इसमें वंडरबॉल रिएक्शन है, तो उससे क्या होगा? एक तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल से इसका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, और एनर्जी ज्यादा होगी तो वैसे ही मेल्ट जल्दी हो जाएगा। तो ए तो लीस्ट हो गया, ए भी मैं डिसाइड करना है। ये वैसे ही सिमेट्रिक है और डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा है, तो सॉलिड में भी इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल ज्यादा होगा। यही बात है। तो पैसा बता सकते हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे सेम चीज अपन बाकी जगह भी, और इसलिए अपन इसे वोलेटाइल बोलते हैं बिकॉज का बॉइलिंग पॉइंट काफी कम है नेचर ड्यू टू लो बॉइलिंग। सो लाइक दैट अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थोड़े से एक दो बच्चे पूछ लेंगे, बच्चा तो फॉलोइंग विल हैव हाइड्रोजन बॉन्ड, बट इस टाइप से एप्लीकेशन पूछ लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब ये रुक जाते हैं अपन, और नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे। आपके पास शीट है केमिकल बॉन्डिंग की और पीरियोडिक टेबल है सर, केमिकल बॉन्ड।